हेलो ग्रीथिंग का आज हम लोग जानेंगे अर्नेस्ट नॉर्मन ई बोरलॉग को, क्योंकि ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। नॉर्मन बोरलॉग मानवता पर जिनका एहसान किसी बुद्ध ईसा या गांधी से कम नहीं है। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के पीछे की प्रेरणा थे, जिनके द्वारा विकसित गेहूं और धान की किस्मों ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया के करीब 1 अरब आबादी को भुखमरी से बचाया। पिछले 2 हफ्तों के दौरान मैंने भारत में अलग अलग वर्ग के 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की होगी कि क्या वे नॉर्मन बोरलॉग को जानते हैं। यह तकलीफ देह बात है, लेकिन उनमें से कोई भी नॉर्मन बोरलॉग को नहीं जानता था, जबकि हम सब की जिंदगी पर उनका भारी एहसान है। नॉर्मन बोरलॉग ने कृषि विज्ञान में आधुनिक तकनीक ईजाद की, जिससे गेहूँ की उत्पादकता में 700 गुना तक बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया के साथ ये तकनीकें मुफ्त में साझा की, जिसके करीब 1 अरब लोगों की जान भुखमरी से बचाई जा सके। उनका योगदान यहीं तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने सरकारों को आर्थिक नीतियों पर अहम सलाह दी थी, ताकि अन्न की उपज बढ़े तो वह लोगों तक पहुंच भी सके। बोरलॉग का जन्म अमेरिका में आयोवा के एक सामान्य परिवार में हुआ था। मिनेसोटा विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उन्होंने गरीबी की तकलीफों को समझना और महसूस करना शुरू किया। ये अनुभव और ईसाई धर्म में उनकी सच्ची आस्था के बदौलत उनके दिलों में गरीबियों के लिए एक विशेष सहानुभूति पैदा हो गई। वे गरीबों की मदद करने के बारे में सोचने लगे। ट्यूपॉन्ट में बोरलॉग के पास एक स्थायी नौकरी थी, लेकिन उन्होंने सन 1944 में इससे इस्तीफा दे दिया और मेक्सिको आ गए। यहीं उन्होंने गेहूं की उन किस्मों के विकास का काम शुरू किया जो रोग प्रतिरोधी थी और जिनकी उत्पादकता पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी। सन 1963 के तहत उनकी ईजाद की हुई किस्मों का योगदान मेक्सिको के कुल गेहूं उत्पादन में 95% तक हो गया। उत्पादन इतना बढ़ा कि बाद में मेक्सिको गेहूं का निर्यातक बन गया। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत में अकाल पड़ा था। उस समय नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें टाइम मैगजीन ने 20वीं शताब्दी के एशिया के 20 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में स्थान दिया था, उनको यह जानकारी थी कि सुदूर लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको में चल रहा है। वे भारत में भी बोरलॉग का काम का लाभ उठाना चाहते थे। इसी सिलसिले में उन्होंने बोरलॉग को भारत आमंत्रित कर दिया। लियोन हिसेन ने अपनी किताब द मैनहुड फेड एंड वर्ल्ड में बोरलॉग के भारत से जुड़े एक वाक्य का जिक्र किया है, जो बताता है कि वे किस मिट्टी के बने हुए थे। उस समय इंदिरा गांधी सरकार में अशोक मेहता योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। सरकार ने वे दूसरे नंबर के ताकतवर व्यक्ति थे। बोरलॉग को भारत में उनसे ही मुलाकात करनी थी। उन्हें पता था कि वे गड़बड़ नीतियां अकाल के लिए जिम्मेदार हैं। उन पर वे पूरी ईमानदारी से अपनी राय रखेंगे, लेकिन उन्हें डर भी था कि कहीं वे अपनी बेबाक बयानी के चलते उन्हें जल्दी से जल्दी देश छोड़कर जाने के लिए न कह दिया जाए। हालांकि यह डर भी उन्हें चुप नहीं करा पाया और उन्होंने ईमानदारी से सरकारी नीतियों के बारे में अपनी राय अशोक मेहता के सामने रख दी। बोरलॉग को इस बेबाकी के बदले देश छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा गया और चमत्कारिक रूप से सरकार ने ही नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। इनके चलते कुछ ही सालों में अकाल जैसी स्थितियां खत्म हो गई। बोरलॉग की ईजाद की गई गेहूं की नई किस्में भारत को व्यवसायिक रूप से सन 1966 में स्वतंत्रता मिली। ऊंची उत्पादकता से युक्त और रोग प्रतिरोधी गेहूं के इन दानों से कुछ ही सालों में भारत की जमीन पर चमत्कार कर दिया। सन 1966 से पहले भारत गेहूं का आयातक देश था। हमारा उत्पादन खुद अपनी आबादी के लिए पूरा नहीं पड़ता था और हमें अमेरिका से फूड फॉर पीस कार्यक्रम के तहत लाखों टन गेहूं आयात करना पड़ रहा था, लेकिन नई किस्में आने के साथ ही 5 साल के भीतर भारत में गेहूं का उत्पादन 2 गुना हो गया। बोरलॉग की नई किस्मों और कृषि उन्नत के तरीकों से एशिया में सिर्फ भारत का ही फायदा नहीं हुआ। सन 1965 में पाकिस्तान में गेहूं का उत्पादन सिर्फ 46 लाख टन था, जो कि 1970 में बढ़कर 84 लाख टन हो गया। कुछ समय बाद ही बोरलॉग ने उच्च उत्पादकता वाली धान की कुछ किस्मों का विकास किया। वे ही बाद के सालों में धान क्रांति की बुनियादी बनी। आज पूरी दुनिया में तकरीबन 6 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर गेहूं और धान के जो बीज बोए जाते हैं वे बोरलॉग की ईजाद की हुई किस्में हैं। यदि ये ना होती तो दक्षिण अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा और चीन अपनी आबादी के लिए अनाज की पूर्ति नहीं कर पा रहे होते। आज चीन और भारत अपनी आबादी के लिए पर्याप्त गेहूं तो उपजाते हैं और साथ ही उसके निर्यातक भी हैं। अनाज उत्पादन बढ़ाने और कृषि विकास की बोरलॉग की कोशिश में आधुनिक कृषि तकनीकों की अहम
घूम क्या रही, उनके तरीकों में कई चीजें शामिल थी। मसलन ये सही बात मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल, सिंचाई की सुविधा में सुधार और किसानों को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए अलग अलग सरकारी उपाय जिनमें तय कीमत के बजाय कृषि उपज के लिए प्रतियोगी बाजार उपलब्ध करवाना भी शामिल था। खेती में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के साथ साथ उर्वरकों के प्रयोग का विरोध करने वाले लोग बोरलाग के आलोचक रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी चौंकाने वाली बात है कि बोरलाग द्वारा विकसित की गई खेती की तकनीक तमाम संभव तौर तरीकों में पर्यावरण के लिए सबसे सुरक्षित तकनीक है। ज्यादा से ज्यादा उत्पादन का मतलब था खेती के लिए कम जमीन की जरूरत, यानी जंगलों की कम कटाई, इसकी जगह कम उत्पादन वाली परंपरागत खेती ही हो रही होती तो दुनिया की बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए विशाल पैमाने पर जंगलों को साफ करना पड़ता। इसके बाद भी इतना अनाज नहीं होता कि दसों करोड़ के लोगों की भूखों को से बचाया जा सके। स्वामीनाथन ने बोरलाग के बारे में कहा था, नार्मन बोरलाग भूख से मुक्त दुनिया के इंसानी तलाश का जीवंत प्रतीक थे। उनका जीवन ही उनका संदेश है, बोरलाग का जीवन ही उनका संदेश था, लेकिन वे अपनी आवाज उठाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटे। उनका कहना था, आज मानव जाति के लिए सबसे बड़े खतरे हैं, उनमें से एक है विस्फोटक तरीके फैल रही हैं, लेकिन फिर भी छिपी हुई नौकरशाही इससे एक दिन दुनिया का दम घुट सकता है। आज की नौकरशाही ने एक ऐसी सोच अपना ली है जो मानव जीवन के महत्व को कम करके आंकती है और इंसानों को दुनिया के लिए कैंसर जैसी बीमारी समझती है। आधुनिक समाज में इंसान की कीमत 18वीं सदी के ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के हिसाब से तय कर दी थी। यह सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या ज्यामितीय अंकगणितीय हिसाब से चलता है। इसका मतलब है कि एक समय के बाद एक जनसंख्या संसाधनों से बहुत ज्यादा हो जाती है, तब प्राकृतिक उपायों जैसे संक्रामक बीमारियों, आपदाओं या युद्ध आदि के जरिए जनसंख्या का विनाश होता है ताकि वह संसाधनों के अनुपात में कम हो जाए। बोरलाग इस सिद्धांत के विरोधी थे और वे मनुष्य मात्र के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और उन्होंने जबरदस्ती जनसंख्या नियंत्रण के समर्थकों को गलत साबित किया। बोरलाग को सन 2016 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से विभूषित किया गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सन 1968 में उन्हें सितारा ए इम्तियाज पुरस्कार से नवाजा था। वे सन 1968 में इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के मानद सदस्य चुने गए थे। बोरलाग ने सन 1978 में बांग्लादेश बोटानिकल सोसाइटी और बांग्लादेश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस का पहला मानद सदस्य बनाया गया था। इनके अलावा उन्हें कम से कम 48 और सम्मान मिले थे और वे उन देशों द्वारा दिए गए जिनके आम नागरिकों को किसी न किसी तरह से बोरलाग के काम से फायदा पहुंचा था। नार्मन बोरलाग को सन 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके साथ वे उन 6 विशेष लोगों में शुमार हो गए जिन्हें नोबेल के साथ साथ यूएस कांग्रेसनल गोल्ड मेडल ऑफ और यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया था। बोरलाग 11 देशों के कृषि विज्ञान अकादमियों के सदस्य भी थे। उन्हें 60 से ज्यादा मानद डॉक्टरेट की उपलब्धियां मिली थी। 2009 में 95 साल की उम्र में नार्मन बोरलाग का निधन हो गया। वे आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विरासत उस अनाज के रूप में हम भारतीयों के साथ आज भी है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। यह विरासत उन विकसित कृषि पद्धतियों के रूप में हमारे साथ है जिनसे हम यह अनाज उपजाते हैं। यह विरासत उन अरबों लोगों के रूप में आज भी इस दुनिया में है जिनकी जान बोरलाग की कोशिशों के चलते बच सकी है। हम भूखे थे और आपने हमारा पेट भरा, डॉक्टर नार्मनी बोरलाग, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम भूखे थे और आपने हमारा पेट भरा, डॉक्टर नार्मनी बोरलाग, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो मित्रों, ये था डॉक्टर नार्मनी बोरलाग का संक्षिप्त विवरण। फ्रेंड्स, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जो मित्र हमारे चैनल पर नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम किसी से संबंधित सारे वैज्ञानिकों के नाम आपके सामने लाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।